आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि आज से एक अनोखी यात्रा के ऊपर हम चलेंगे। और आज का जो विषय मैंने सोचा है वो है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा या शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में जाने अनजाने कभी भी ये प्रश्न जागा ना हो कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये लाइफ जो हमें मिली है, ये लाइफ क्या है। और जब लाइफ के बारे में सोचते हैं तो दो प्रश्न हमारे मन में जागे बिना रह नहीं सकते। पहला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, और दूसरा, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। ये जीवन का मतलब क्या है और ये जीवन जो हमें मिला है उसका उद्देश्य क्या है। और जिसने ये दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लिया मानो उसने जीवन जिया है। यदि पहला प्रश्न मैं आप सबसे पूछ लूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, तो हर कोई सोचने लगेगा, कोई कहेगा लाइफ ये है, कोई कहेगा लाइफ ये है, कोई कहेगा लाइफ तो एक मिस्ट्री है, कोई कहेगा लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, कोई कहेगा लाइफ तो बस मिली है, जीवन जीना पड़ रहा है, इसलिए जी रहे हैं। तो हरेक का आंसर और हरेक का दृष्टिकोण इस लाइफ के बारे में अलग अलग होगा। वास्तव में देखने जाए तो हम सब ये चिंतन करते हैं और ढूंढना चाहते हैं कि लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। पर मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि यदि लाइफ का मतलब सोचना चाहोगे तो ये लाइफ वास्तव में हमें क्यों मिली है, ये जीवन क्यों मिला है, जीवन ढूंढना नहीं है, जीवन को उसका मीनिंग देना है। दो वस्तु मैंने कही, एक तो मीनिंग ऑफ लाइफ और दूसरा पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का मीनिंग आप ढूंढने जाओगे तो लाइफ का मीनिंग कुछ नहीं है। बोले क्यों? जैसे एक पानी है, यदि आप कहो कि पानी का आकार क्या है तो आप कह नहीं पाओगे कि पानी का आकार क्या है। लेकिन जैसे ही पात्र के अंदर, चाहे ग्लास में चाहे एक कटोरी में आप पानी को भरते हो तो वो ऐसा ही आकार धारण कर लेता है कि जैसा वो पात्र होता है। वैसे ही यदि लाइफ का मीनिंग आप ढूंढने जाओगे तो मीनिंग ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन जैसा अपना पर्पस होगा और जो अपना एम होगा, वो ही आपका निश्चित किया हुआ पर्पस, आपका निश्चित किया हुआ एम आपके लाइफ को मीनिंग देगा। बोले कैसे? यदि कोई कहेगा कि लाइफ जो है, जीवन में मेरे लिए कुछ करने का पर्पस नहीं है, तो उसके लिए लाइफ का मीनिंग क्या हो गया कि लाइफ इज अ बर्डन। यदि कोई कहेगा कि जीवन में मुझे वो पाना है, जीवन में मुझे ये अचीव करना है, तो उसके लिए लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, जीवन में कुछ ऐसा करने की जो किसी ने किया ना हो। तो जैसा पर्पस आप लाइफ में सिलेक्ट करते हो वो आपके लाइफ को उसका मीनिंग देता है। और इसीलिए वास्तव में देखने जाए तो ये जीवन हम हर कोई जी रहे हैं, जीवन हम सब जी ही रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीवन जिया किसको कहा जाए और जीवन का मूल अर्थ, जो जीवन हमें मिला है, क्यों मिला है। यदि इसका आप विचार करोगे तो मैं लगेगा कि दुनिया के अंदर आप जिसको भी देखो, सारी दुनिया कोई ना कोई टेंशन लेके, कोई ना कोई दुख लेके, कोई ना कोई चिंता लेके रो रही है। यहां तक मैं कई बार कहता हूं कि इस दुनिया में किसी से भी पूछो कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन है, तो कोई भी व्यक्ति दो मिनट ये सोचेगा और कह देगा कि दुनिया में यदि सबसे सुखी है तो दो लोग हैं। बोले कौन? बोले पहले वो जो ऑलरेडी मर चुके हैं और दूसरे वो जो अभी तक पैदा नहीं हुए। इस दोनों के बीच की जो दुनिया है, यानी हम सब, किसी न किसी कारणवश दुखी है, टेंशन में है, चिंता में है, उद्वेग में है। बोले क्यों? क्योंकि हम जीवन के एक छोटे से सूत्र को समझ नहीं पाए। और वो जीवन का छोटा सा सूत्र क्या है? जीवन के अंदर हमारी जो एक आत्मा है उसकी डिमांड क्या है? वो आत्मा ग्रो करना चाहती है, प्रोग्रेस करना चाहती है। और वास्तव में आप देखो तो जीवन क्या है, जीवन जीना उसी को कहते हैं। और वही जीवन जी रहा है जो दिन प्रतिदिन अपने आप को ग्रो होता जा रहा है, अपने आप को विकास की ओर ले जा रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, जहां था वहां से एक कदम आगे जा रहा है। ये अपने आत्मा की डिमांड है। बोले कैसे? यदि एक घड़े के अंदर आपने एक दिया रख दिया तो वो दिया कितने एरिया में प्रकाश करेगा? कि जितना एरिया घड़े का है। लेकिन जब वो घड़े को तोड़ देते हो तो वही दिया पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। बराबर वैसे ही हमारी एक डीप डिमांड है। बोले क्या? बोले एक्सपांशन। हमें एक्सपांड होना है, हम इस छोटे से एरिया के अंदर अपने आप को कैद नहीं कर सकते।
और इस दुनिया में आप जिस किसी को भी हंसता देखो, नाचता देखो, गाता देखो, सफल होते हुए देखो, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि वो ग्रो हो रहा है। और जिसको रोते हुए देखो, जिसको टेंशन में देखो, जिसको डिप्रेस होता हुए देखो, जिसको अनेक अनेक प्रकार की फरियाद करते हुए देखो, उसका कारण और कोई नहीं है, उसका कारण एक ही है कि वो ग्रो होना बंद हो गया है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, डोंट जस्ट गो विथ लाइफ बट ग्रो विथ लाइफ। और जब आप ग्रो होना शुरू कर देते हो, आपके जीवन में कोई चिंता नहीं रहेगी, आपके जीवन में कोई उद्वेग नहीं रह सकता, आपके जीवन में कोई दुख नहीं रह सकता कि जब आप ग्रो होना शुरू हो जाते हो। और ग्रो होना यानी क्या, कई बार अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार के अंदर आया है, हम सभी ने एक स्टोरी लिखी है। आपको लगेगा स्टोरी, कैसी स्टोरी, पूरी स्टोरी लिखी हुई है और स्टोरी के अंदर उसका हीरो और कोई नहीं, प्रत्येक व्यक्ति है कि जो स्टोरी लिखता है। हम सभी ने वो स्टोरी कभी ना कभी बचपन में या जवानी में अपने आप लिखी हुई है। और वो स्टोरी क्या लिखी थी, और वो स्टोरी को लिखने के बाद बार बार उसका चिंतन हमने किया है, बार बार उसको विजुलाइज भी किया है। बोले कौन सी स्टोरी, जब हम पढ़ते थे तो एक सपना हमने देखा था और मानो एक स्टोरी लिखी थी कि जब मैं इस उम्र की अवस्था में होगा तब मेरे पास ये गाड़ी होगी, वो होगा, ये होगा, जब मैं इस अवस्था में होगा मेरे पास इतना संपत्ति होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी, इतनी जाओ जलाली होगी, जब मैं इस लाइफ के इस मोड में आऊंगा तब मेरे पास इतना कुछ होगा। और ये स्टोरी हम में से हर एक व्यक्ति ने अपने पास लिखी है, अपने हाथों से लिखी है। और ये लिखने के बाद इसका बार बार हमने चिंतन किया है, बार बार इसे विजुलाइज किया हुआ है। तो दुनिया के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, एक वो कि जिन्होंने जो स्टोरी लिखी उस स्टोरी को आज उनकी लाइफस्टाइल मैच कर रही है, या जो लिखा उससे भी आगे है, उनको अपन कहते हैं कि बड़े सफल व्यक्ति हैं, कि बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, कि बड़े अचीवर्स हैं। और दूसरे वो जो अधिकतर होते हैं, जो स्टोरी लिखा था, जिसे बार बार देखा था, लेकिन आज जो परिस्थिति है वो उससे बिल्कुल विपरीत है। बचपन में देखते आए थे कि इस मोड़ पे मेरे पास ये होगा, वो होगा, लेकिन आज यदि परिस्थिति देखें तो बिल्कुल विपरीत है। और तब हमारा मन उद्विग्न हो जाता है कि मैंने जो देखा था, जो सोचा था अपने बारे में, लेकिन आज मेरी लाइफ में ये सब क्यों नहीं दिखा। और उस मोड़ पे हमारे पास दो विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प ये सोच ले कि अब ये जो है वो कभी बदलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है कि परिस्थिति तो बदलने वाली नहीं है, पर अपनी स्टोरी को बदल ले। और स्टोरी को बदल देके जो अभी हो रहा है उसी को लिख देते। और दूसरे वो है जो कहते हैं मैं स्टोरी नहीं बदलूंगा, लेकिन परिस्थिति को बदल के मैं अपनी स्टोरी के संग उसे मैच करूंगा। तो दुनिया में ये दो विकल्प अपने पास रहते हैं, लेकिन 90% लोग इस संसार के अंदर अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करके अपनी स्टोरी को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी परिस्थिति को बदलूंगा और परिस्थिति को बदल के अपनी लिखी हुई उस स्टोरी के संग उसे मैच करूंगा, और जिसको अपन सफल कहते हैं। तो लिखी हुई स्टोरी के तरफ दिन पे दिन बढ़ना, उसी को कहते हैं प्रोग्रेस, उसी को कहते हैं कि ग्रो होना। अब हम सबको चाहते हैं कि ग्रो, लेकिन आशा रखते हैं कि एक दिन कभी आएगा, एक दिन अनुकूल आएगा, एक दिन मेरे सारे सर्कमस्टेंसेस अनुकूल होंगे, एक दिन मुझे हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे, एक दिन मेरे सपने को साकार करने वाले मिलेंगे, तब कुछ होगा। यदि ग्रो होना है तो इसी क्षण, इसी समय ये निश्चित करो कि इस क्षण से बेस्ट मेरे लिए और कोई क्षण हो नहीं सकती, आज के दिन से उत्तम और कोई दिन कभी आने वाला नहीं है, आज मैं जो जहां हूं, आज मैं जहां खड़ा हूं, उससे अनुकूल और उससे बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में कभी आने वाला नहीं है, तो आज से ही मैं कुछ शुरुआत करूं, एक कदम आगे बढ़ूं, और आज बढ़ाया हुआ एक कदम आपको धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर ले जाना शुरू कर देगा। लाइफ में यदि उस प्रोग्रेस की ओर जाना है, सिर्फ दो सूत्र याद रखने हैं कि नाउ एंड हियर। बहुत बड़े विचारक हो गए जब वो प्रवचन करते तो दो ही शब्द का उपयोग करते कि नाउ एंड हियर। एक बार किसी ने पूछा कि इतनी हजारों की भीड़ बैठी है, दूर दूर से लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, लेकिन दो ही शब्द आपने कहे कि नाउ एंड हियर, तो उसने कहा कि जितने भी लोग आए सब कुछ जान के बैठे,
जितने भी लोग आए हैं उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये दो वस्तु पे इंप्लीमेंट नहीं करते कि जो भी कुछ जाना है, जो भी कुछ तैयारी करी है उसका इंप्लीमेंट कल नहीं करना, बट नाउ अभी और हियर यही करना है। और जब मन ये संकल्प करता है तो उसी दिन से उसकी एक सफलता की और यात्रा शुरू हो जाती है। तो भजनों यही कामना करूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं ना करके कल के आने वाले सुनहरे सपनों को ना देख के विचार करो कि आज का दिन, आज की क्षण ये मेरे जीवन की सबसे उत्तम क्षण है, और जो भी आगे की मुझे शुरुआत करनी है कल पे ना छोड़ के इसी क्षण से अभी से शुरुआत करनी है, और उसकी ओर एक कदम भी आप बढ़ाओ लेकिन जहां थे वहां से कुछ आगे बढ़े, ये संतोष आपको जरूर होगा। और यही कहकर मैं अपने वाणी को